अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। भाइयों, किसी को कुर्बानी के लिए बकरे ख़रीदना हो तो अभी से, क्योंकि कुर्बानी का ईद हाल ही दिनों में गुजरा है, तो ख़रीदे, क्योंकि इस वक्त आपको एक बकरा 10,000-11,000 में पड़ेगा। इसका टोटल ख़र्चा आपको साल तक एक बकरे के ऊपर 7,000-8,000 खर्चा आएगा। और आप इन बकरों के वैक्सीन ज़रूर करवाना, क्योंकि वैक्सीन के बाद इनके थोड़े बहुत अंदर कमज़ोरी होगी या बीमारी होगी, वो जाएगी, इंशाल्लाह आपके बकरे अच्छे रहेंगे। फिर आप लोग इनके कुर्बानी ईद तक, ये बकरा आपका तकरीबन एक बकरा 55 से लेके 45 लेके 60 दरमियान तक पहुंच जाएगा। अच्छे नस्ल के बकरे हो रखने चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको 10 से 15 पीस बकरे के रखोगे तो फिर उनमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके ख़र्चा कम हो जाता है, उसमें बचत अच्छे खासी आ जाती है। ईद तक आप एक बकरे के ऊपर से 25 से लेके 30,000 रुपये तक आप बचा सकते हैं, क्योंकि अच्छे नस्ल के बकरे हों तो उसमें आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये फार्मिंग अच्छा काम है बकरों के हिसाब से, क्योंकि बकरों का खुराक भी कम होता है, बंदा अपने घर के कोई सहन में भी इनको पाल सकता है। क्योंकि कोशिश आप करोगे तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आप लोगों को, क्योंकि आजकल बकरे और कुर्बानियों दिनों में बहुत से अच्छे कीमतों में बिकते हैं। बकरों के लेने के लिए लोग 10-10, 15-15 बकरे एक साथ में कुर्बानी के टाइम ख़रीदते हैं। आप लोगों में इसके बहुत अच्छे फ़ायदे और अच्छे नतीजे आप लोगों को हासिल हो जाएंगे, क्योंकि बकरों का काम अच्छा काम है भाई। ये इस काम से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। खुदा हाफिज़।